गुड मॉर्निंग ऑल गाइज, आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा मेन टॉपिक है कि टैली के अंदर अकाउंट्स में जो आउटस्टैंडिंग होती है पेमेंट्स, उसको कैसे टैली पे किया जाएगा। तो आज हम उसको थ्योरेटिकल रूप में चलते हैं, टू व्यू आउटस्टैंडिंग। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टू व्यू आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि आपने किसी को माल बेचा, कितने दिन के उधार पर बेचा, उसकी ड्यू डेट क्या है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको हम आज थ्योरेटिकल रूप में समझाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो टू व्यू आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हैं, टैली पर हम कौन से फीचर लगाएं, हम क्या चेंज करें, वो अब हम आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब हम टू व्यू आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है सेट मेंटेन बिल वाइज डिटेल टू यस इन F11 अकाउंटिंग फीचर। जब आप F11 यूज करेंगे मीनू को, तो वहां अकाउंटिंग फीचर आएगा। अकाउंटिंग फीचर पर आपका आएगा सेट मेंटेन बिल्स वाज डिटेल, उस पर आप उस पर यस क्लिक कीजिए। उसके पश्चात क्रिएट ए पार्टी, इसके अंदर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल केवल दो ही ऑप्शन में होता है, एक सेल्स में और एक परचेज पर। तो उसमें पार्टी का लेजर बनता है, क्योंकि सेल्स भी पार्टी के साथ होगा और परचेज भी पार्टी के साथ होगा। तो यही चीज सेकंड पॉइंट में लिखी गई है कि क्रिएट ए पार्टी लेजर अकाउंट्स अंडर सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर ग्रुप्स। जब आप लेजर बनाए तो परचेज करेंगे तो आपका जिस पार्टी से करते हो वो आपका लेनदार है, सन्डी क्रेडिटर, और जब आप सेल्स करते हो किसी पार्टी के साथ तो वो सन्डी डेटर है। यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्रिएट ए पार्टी लेजर अकाउंट्स अंडर सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर ग्रुप्स। तो आप जिस भी पार्टी के साथ परचेज सेल करें उसका ग्रुप लेजर क्रिएट करें और उसको अंडर सन्डी क्रेडिटर या सन्डी डेटर में डालें। थर्ड पॉइंट, सेट मेंटेन बैलेंसेज बिल्स वाई विल टू यस द पार्टी ड्यूरिंग लेजर क्रिएशन। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो सेट मेंटेन बिल वाई बाय बिल लिखा आता है, तो उस पर आप यस क्लिक करेंगे जब लेजर क्रिएट करें। फोर्थ पॉइंट आपने देखा, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो जब हम इनकी एंट्री कैसे करते हैं, जब गेटवे ऑफ टैली होता है तो उसमें हम किस पे जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पर। अगर सेल्स किए हो तो उसके लिए यूज मेनू क्या करेंगे, F8, और परचेज किए तो F9 करेंगे। तो यही फोर्थ पॉइंट में कहा गया है, गो टू गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर्स सेल्स F8 परचेज F9, राइट, क्लियर। अलोंग विद अकॉर्डिंग टू एंटर द ट्रांजेक्शन बाय स्पेसिफाइंग बिल रेफरेंस नंबर। जब आप अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर F9 या F8 करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें बिल का रेफरेंस नंबर हो, जो भी कोई डिटेल्स है वो सारी यहां पर हम इसको फीड करेंगे और वो आप वाउचर पे करेंगे। उसके बाद जो आपकी पेमेंट है उसका ब्रेकअप वाइज देख सकते हैं कि कितने दिन के लिए ड्यू पेमेंट है, कब आपने उसको रिसिप्ट किया, कब उसका भुगतान करना है, सब का ब्रेकअप वाइज डिटेल्स आप इस पर देख सकते हैं, जो कि आज हम आपको थ्योरी में समझा रहे हैं, फिर आपको हम इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। उसके बाद आप टू व्यू रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट्स, आप कैसे रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं वो स्क्रीन में देख सकते हैं। टैली पे गो टू गेटवे ऑफ टैली, सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है गेटवे ऑफ टैली होता है। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, फिर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे और फिर रिसीवेबल पे जाएंगे। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप चीज को देख सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे, फिर आप डिस्प्ले पे जाएं, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएं, फिर आउटस्टैंडिंग पे जाएं और फिर रिसीवेबल पे जाएं। इस तरह आप पेबल हो या रिसीवेबल हो इसी तरह आप उस पर आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करके दिखाएंगे, उसके आधार पर जनरल एंट्री कैसे होती है। तो एक क्वेश्चन है
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम ऑन बी। हमने एक परचेज किया किसके साथ किया, बी के साथ। जब हम बी का खाता बनाएंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट, जब एक का बनाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी होगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर एंड मार्च 1st 2022 में हमने परचेज किया और एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन बाय द बी, और किसके साथ किया, ड्रोन बी के साथ, और सेम अमाउंट से आपका एक खाते में भी करोगे और बी खातों में भी करोगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें द बिल वॉज पेबल आफ्टर 60 डेज, जो उसका टाइम दिया गया है बिल का, कितना दिन का दिया है, 60 डेज का, मतलब 2 महीने का। एंड ऑन 1st अप्रैल 28 सेंड टू द बिल फॉर द बैंक फॉर हिज बैंक कलेक्शन, 28 तारीख को उन्होंने बैंक कलेक्शन के लिए उसको भेज दिया। इसके बाद द बिल वॉज ड्यूली प्रेजेंटेड बाय द बैंक ऑफ डिसऑर्डर्ड बाय द बिल एंड द पेड 150 रुपए इज नथिंग चार्जेस। तो क्या हुआ, जो चेक था वो डिसऑर्डर्ड हो गया और उस पर नथिंग चार्ज लग गया 150 रुपए, और इसके बाद रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, दोनों की एंट्री आपको करके दिखानी है। तो आज हम आपको दोनों की एंट्री करके दिखाते हैं कि ए का बनाएंगे जब क्या एंट्री होगी और जब बी का बनाएंगे तो क्या एंट्री होगी। तो आप स्क्रीन पर हमारे वीडियो से जुड़े रहे तो आप देख सकते हैं इसमें कि ए के दौरान हम क्या एंट्री करेंगे और बी के दौरान हम क्या एंट्री करेंगे, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहें और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री थी, तो हम किसका बनाएंगे, ए का बनाते हैं, ए का। तो फर्स्ट एंट्री आप समझें कि परचेज गुड्स फ्रॉम 15,000 बी, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट्स टू बी। तो इसके अंदर नरेशन भी लिख सकते हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम बी, तो आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री, तो हमने जब परचेज करेंगे तो बिल्स में बिल होगा, तो बी डेबिट्स अकाउंट डेबिट्स टू बीपी आपका 15,000, क्योंकि जो बिल्स पेबल था, बिल्स भुगतान करना है, वो किसके अकॉर्डिंग था, बी के, तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल आपकी ट्रांजेक्शन होगी। इसी प्रकार थर्ड ट्रांजेक्शन थी, उसको नथिंग चार्ज लग गया था, तो बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट्स नथिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट्स, और किसके साथ था हमारा, बी के साथ, तो बिल्स पेबल आपका 15,000 रुपये था, नथिंग चार्ज आपका 150 था, तो आपका 15,150, ये आपकी एक खाते की ट्रांजेक्शन हो गई। इसी प्रकार ये थी परचेज की। अब इसके अपोजिट बिल्कुल सेल्स के लेके चलेंगे, तो आप सेल्स की यहाँ पर जैसे मैं बी की तैयार करता हूँ तो स्पेशल, इसके अपोजिट्स, तो परचेज थी, अब सेल्स होगी, तो सेल्स क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता हूँ, ए डेबिट्स अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स, ये आपकी क्या होगी 15,000, तो ये आपकी ए के साथ थी। अब इसी के अपोजिट्स ये बिल्स पेबल थे, सेकेंड एंट्री आपकी बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट्स, तो आपका क्या हो जाएगा ए, ये हो गया आपका 15,000। उसके बाद कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो कलेक्शन के लिए क्या करेंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शंस अकाउंट डेबिट्स 15,000 टू बी आर, ये आपका हो गया 15,000, योगी थर्ड ट्रांजेक्शन। इसी प्रकार लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन हम लेके चलते हैं कि सेम इसकी अपोजिट्स होगी,
अब नथिंग चार्जेस थी हमारी, जब हमने नथिंग चार्जेस लिया तो अब किसका होगा, ए के अकॉर्डिंग होगा आपका, तो ए, तो आप फोर ट्रांजेक्शन हमारे आप देख सकते हैं कि ए डेबिट्स हो जाएगा आपका, ए डेबिट्स टू बी आर टू नथिंग चार्जेस। तो आप देख सकते हैं टू बी आर आपका 15,000 रुपये था, 150 रुपये आपका ये था और आपका 15,150। तो आपने ये ए का खाता था और ये बी का खाता है, बी का खाता है, तो बी का खाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें अब इसकी एंट्री कैसे होगी। जब हम लेजर बनाएंगे, जब हम टैली पे करेंगे तो परचेज का लेजर किस में जाएगा, परचेज में जाएगा, और बी किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिट्स में, और एंट्री होगी आपकी किसके अंदर, इसके अंदर F9 में। इसके बाद बी अकाउंट डेबिट्स, तो लेजर तो एक बार बन गया, और बिल्स पेबल आपका क्या है, लाइबिलिटीज है, F7 में एंट्री चली जाएगी। इसी प्रकार नथिंग चार्जेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उसको डायरेक्ट में लेकर और उसको भी F7 में करेंगे। ए का संडी डेटर्स में कर देंगे, सेल्स का सेल्स में हो जाएगा, बी आर आपका करंट असेट्स है, और इसी प्रकार आपका ये F7 में हो जाएगा और ये भी आपकी F7 में एंट्री चली जाएगी। तो आज हम आपको उसको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, सेम यही एंट्री आपको प्रैक्टिकल में टैली पर कर करके दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आज हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हो।